आज के इस कार्यक्रम में हम कागज की एक वेज बनाएंगे। इसके लिए हमको एक A4 साइज की शीट चाहिए, एक स्टील का स्केल और एक पेन चाहिए। सबसे पहले A4 साइज शीट के जो दोनों लंबे सिरे हैं उनको बिल्कुल आपस में जमाएं और जो चौड़ाई है उसके मध्य बिंदुओं पर निशान लगाएं। उसके बाद दोनों लंबे सिरों को मध्य रेखा तक मुड़े, इसको कबर्ड फोल्ड कहते हैं। और कबर्ड फोल्ड बनाने के बाद में आप मॉडल को दोबारा खोलें। अब ये जो दो कोने हैं इन दोनों कोनों पे हमको 45 डिग्री के कोण मोड़ने हैं। इसके लिए आप कागज को उल्टा करें और सबसे पहले एक 45 डिग्री का कोण मोड़ें और वो छोटी सी जो क्रीज है उसको मोड़ दें। इसी तरह से दूसरा 45 डिग्री का की क्रीज भी मोड़ें। अब ये जो दो बिंदु हैं इन दोनों बिंदुओं पर निशान लगाएं और उनसे गुजरती हुई एक मोड़ भी बनाएं। उसके बाद में जो दूसरा छोटा सिरा है उसको इस लाइन तक मोड़ें, फिर कागज को खोलें। उसके बाद में जो चौथाई लाइन है उससे एक बिंदु को लेकर के लंबे सिरे तक मोड़ें स्केल से। इससे आपको एक चौथाई लाइन पे एक बिंदु मिलेगा। इस बिंदु से आप एक रेखा मोड़ें जिससे दूसरी चौथाई रेखा पर आपको एक बिंदु वैसा ही और मिल जाए। फिर दोबारा कोने के सिरे से इस बिंदु को मोड़ें। अब आपका जो वेज है, मॉडल है, वो असेंबली के लिए तैयार है। सबसे पहले 45 डिग्री वाले जो कोण हैं उनको अंदर की ओर दबाएं, इस मॉडल को थोड़ा सा खड़ा करें, फिर आधे में मोड़ें। अब आप पाएंगे कि एक तरफ आपके पास में एक फ्लैप है और इस फ्लैप को आप जेब के अंदर फंसाएं। सबसे पहले फ्लैप को सही नाप पर मोड़ दें और बाद में इस फ्लैप को आप पॉकेट के अंदर धंसा दें। इससे ये वेज एकदम इंटरलॉक हो जाएगी। ये बहुत ही सुंदर मॉडल है जहाँ पर एक साधारण सामान्य A4 साइज कागज़ से आप एक कागज़ की वेज को मोड़ सकते हैं।